पिछले दिनों कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में अग्रिमा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के बारे में टिप्पणी की थी और जिसको लेकर अग्रिमा ने माफी भी मांगी थी। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। गुजरात के बड़ोदरा में रहने वाले शुभम मिश्रा नाम के एक लड़के ने एक वीडियो पोस्ट कर अग्रिमा को न सिर्फ भद्दी गालियां दी थी बल्कि आपत्तिजनक बातें भी कही थी। हालांकि बाद में शुभम को वडोदरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस पूरे मामले के बाद महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बातें होने लगी हैं। दो साल पहले आई थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट में भारत को महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा था। हमारे देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चियों को या तो जन्म से पहले मार दिया जाता है या फिर उन्हें 5 साल तक की उम्र भी नसीब नहीं होती है। जून में यूएनए पॉपुलेशन फंड की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से लेकर 2020 के बीच दुनिया भर में 14.26 करोड़ महिलाएं लापता हुई थी। इनमें से 4.58 करोड़ महिलाएं अकेले भारत में लापता हुई थी। ये आंकड़ा चीन के बाद सबसे ज्यादा है। चीन में इस दौरान 7.23 करोड़ महिलाएं लापता हुई थी। इतना ही नहीं, हर साल दुनिया भर में 12 लाख बच्चियां पैदा तो होते हैं लेकिन लापता हो जाती है। इनमें से 90 से 95% अकेले चीन और भारत में होती है। 2015-16 में चौथे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 31.1% शादीशुदा महिलाएं अपने जीवन में कम से कम एक ना एक बार वायलेंस का शिकार जरूर होती हैं। वहीं भारत सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB का डेटा बता रहा है कि हर साल 1 लाख से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज होते हैं जिनमें महिलाओं पर या तो उनके पति या फिर कोई रिश्तेदार अत्याचार करता है। आज भी हमारे देश में सालों पुरानी दहेज प्रथा बखूबी चल रहा है। NCRB के मुताबिक 2018 में देश भर में 7,277 महिलाओं को दहेज न मिलने पर मार दिया गया। देश में पुरुषों की तुलना में कामकाजी महिलाओं की संख्या भी बहुत कम है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में देश में कामगारों में पुरुषों की संख्या में 71.2% और महिलाओं की संख्या 22% थी। इतना ही नहीं, देश भर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में तनख्वाह भी कम मिलती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में एक ही काम के लिए पुरुष कामगारों की तुलना में महिला कामगारों को 34.5% कम तनख्वाह मिलती है।